भारतीय पानीपाग केंद्र तरफ आज आमको सूचना मिली जे उत्तर आंडामान सागर एवं संलग्न बंगोपसागर पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल आसंता 22 तारीख बेलकू एक लो प्रेशर एरिया बा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही एवं जो लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना अछि ता परवर्ती 72 घंटा भितर माने पाखापाखी 25 तारीख सुधा धीरे धीरे घनीभूत हो एक सामुद्रिक झड़ बा बात्यारे परिणत होवार संभावना रही तेबे वर्तमान पर्यंत यार स्थिति यार कौन रूप रहिबो को बात्या हबो कि नाही जदि बात्या हुए को भलिया बात्या हबो से संपर्क रे कोनोसी प्रकार रो अनुमान करा जाय नाही। तेबे जदि प्राक आकलन अनुसार संभावना जो होइछि से अनुसार देखा जाए ताहले ताहा जदि घनीभूत होई बात्यारे परिणत हुए ताहले ताहा उत्तर पश्चिम दिग को गति करी पश्चिमबंग एवं ओडिशा उपकूल रे माने मे मास 26 तारीख संध्या समय रे पहुंची पारे। तेणु वर्तमान यह एक केवल आकलन अवस्था अछि एपर्यंत यार बात्या हबो कि नाही तापर सठिक तथ्य दि जाए ना तेबे मॉडल अनुसार वर्तमान एक संभावना को भित्ति करी आमे आज कौ जिले में भी हम से संपर्क में कौन तथ्य आसीनी कौ दिगरे जीव कौटी लैंडफल कर तथ्य ना तेणु एक प्राक आकलन स्वरूप अति प्रिलिमिनरी इनफर्मेसन स्वरूप आज आम ओडिशा राज्यर आम जो उपकूल बर्ती जिला गुड़िक अच्छी समस्त जिलापाल यही संभाव्य परिस्थित को आखिरे रखी आगुआ पदक्षेप नेवाई आम आज ताक निर्देश देचु। किसी समय तले मु भारतीय पाणीपाग केन्द्र महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र एवं भुवनेश्वर स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर विश्वास सहित कथा होती सहित आमे जो अच्छी NDRF आमर अच्छी मुंडुली बैटालियन आउ ओड्राफ हेड एवं डीजी फायर सर्विसेस समस्त सहित आलोचना करिछु एवं कि प्रकार आदुआ आगुआ पदक्षेप नियाजिबो से संपर्क में आम कार्यक्रम आरंभ करिछु। आज उपकूलवर्ती जिला मानकर जिलापाल SP एवं अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी मानक सहित आज सन्धार ए संपर्क में आम आलोचना करूँ समस्त सतर्क ही रही वर्तमान बात्या संपर्क में कौन से निर्दिष्ट तथ्य ना तेणु मु ओडिशार थिबा समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया एवं वेब मीडिया बंधु मान को अनुरोध करी जे जेतेबेला खबर परिवेशन करुछन्ति टिके दायित्ववान हेई खबर परिवेशन करंतु कारण किछि चैनल रे 24 तारीख दिन ओडिशार बात्या हबो से अमक जगार बात्या हबो ए सब ए भली किछि संवाद परिवेशन कराउछि जहाँ संपूर्ण मिथ्या एपर्यंत से भली कौनसी अनुमान पाणीपाग केन्द्र करेना डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र पाणीपाग विभाग महानिर्देशक मो सहित व्यक्तिगत भाव कथा होती मत मेसेज देते वर्तमान जहाँ संभावना देखा हो 26 तारीख आड़क हो पारे ता पूर्व होवार कौन सूचना कहीं देना कौ जगार हे केते स्पीड हम आपको नहीं जो आकलन चलती दयाक मु गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक रेस्पोन्सिबल वे दायित्ववान हो ए संपर्क में अधिक संवेदनशील न हुंतु एवं ठीक संवाद को परिवेशन करने मुझे समस्त अनुरोध करी। आज सतर्कता स्वरूप आम अनुरोध करूँ जो मछुआरा मैंने जो मैंने मछमारी जाती समुद्र भितर को से मैंने एबु टे सतर्क रहा दरकार जेहेतु गोटे संभाव्य बात्या परिस्थिति सृष्टि हो पारे ताकू आखिरे रखी आमर जिते मत्स्यजीवी मैंने अच्छा धीवर मैंने अच्छा जो मैंने डंगा नहीं एवं माछ जहाज नहीं भितर को जाती आम समस्त को अनुरोध करूँ जे से भितर को समुद्र को जाने दयाक 23 तारीख सकाल पूर्व मान 22 तारीख संध्या सुधा उपकूल को फेरी आसतु तापर समुद्र भितर को टोटाली पशंतु ना आउ जो मैंने जाती आम अनुरोध करूँ से समुद्र भितर को नजापी आम फिशरीज एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को निर्देश देचु
ଯେ ସେମାନେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦର ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବେ, କେତେ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆଉ କେହି ଭିତରକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଆଗରୁ ଫେରିଆସିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତତ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଲି ଏତିକି ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ 26 ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତାହା ଯଦି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ତାହେଲେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଆଉ ଯଦି ନିଏ ତାହେଲେ 26 ବେଳକୁ ତାହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ, କେତେ ବେଗରେ ଆସିବ କ'ଣ ହେବ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ଖବର ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏବେଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନାହିଁ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେଣୁ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।